तो दोस्तों ये है होंडाशाइन बाइक का रिंग पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक किट और ये बिल्कुल जैनविन प्रोडक्ट है दोस्तों जैनविन औरजिनल है और ये पूरा किट है दोस्तों और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पिस्टन में रिंग कैसे इंस्टॉल करना है इस पिस्टन के इन को कैटी असल जो लिखा हुआ है ये कहाँ पे रखना है हमें ये असल ज़्यादा ज़रूरी होता है कई कई बार हम उल्टा भी लगा देते हैं उल्टा लगाने से प्रॉब्लम आती है वाल टेढ़ा कर सकता है क्योंकि इसमें कटा हुआ निशान देता है कंपनी से छोटे बाल वाले नीचे होते हैं बड़े बाल वाला ऊपर होता है ये देख रहे हैं ये बड़ा कट वाला ऊपर नहीं छोटा कट वाला नीचे होता है और ऐसे अगर देखा जाए इसमें यहाँ पे इन भी लिखा हुआ आता है जो इन को आप ऊपर रखेंगे और के टी को नीचे रखेंगे तो सबसे पहले हमें किसी भी साइड का हमें एक लॉक लगा लेना है तो लॉक दोस्तों मैं फाइनली राइट साइड से लगा लेता हूँ क्योंकि लेफ़्ट साइड से ही अक्सर काम होता है तो मैं एक लॉक पहले लगा लेता हूँ तो ये मैंने लॉक लगा दिया और पिस्टन कुछ इस तरीके से लगेगी यानी कि हमारी जो पिस्टन है इन ऊपर की ओर जाएगी तो ये है दोस्तों स्प्रिंग वाला रिंग जो ऑयल की ऑयल को बाहर की ओर निकालता है जो पिस्टन को हमेशा फ्री रखने में मदद करता है इन्हीं रिंग के जरिए से ऑयल आती है जो नीचे सुराख होती है और इसके जरिए से ऊपर आता है पिस्टन को बचा के रखता है सिलेंडर ब्लॉक को भी बचा के रखता है तो इसे आप किसी भी जगह इसका जो गैपिंग है कहीं भी आप रख सकते हैं इसके मुंह को बाकी इस दो दो पतले वाले रिंग को हमें ध्यान देना होता है हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ये हमें कहाँ रखना है तो इसे मैंने एक पिन के साइड में रख दिया इन में आप किसे कोई उल्टा सीधा नहीं देखना होता है जिस तरीके से टॉप पॉइंट टू में हम देखते हैं कि लिखा हुआ बाहर होना चाहिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप किसी भी साइड में आप इसे रख सकते हैं चलो मैं इसे थोड़ा निशान लगा देता हूं तभी थोड़ी बहुत आप अच्छे से समझ पाएंगे तो मैंने इस पतले वाले रिंग को मैंने यहाँ पे दिया एक और दूसरा हम उधर दे देंगे एक नीचे के साइड में और दूसरा ऊपर के साइड में जो पिन के कोने के हिसाब से होना चाहिए और ये जो निशान मार रहे हैं ये होता है टॉप वन टॉप टू टौ, मोटे वाले रिंग का एक तो मैंने उधर लगा दिया अब दूसरा हम इस साइड में लगाएंगे यानी दोस्तों इस दोनों रिंग का पतले वाले रिंग का गैपिंग एक जगह नहीं होनी चाहिए दोनों रिंग का गैपिंग एक जगह नहीं रहना चाहिए तो ये जो रिंग है हमारे पास ये है ब्लैक वाला रिंग जो लोहे का होता है और इस रिंग में बहुत ज़्यादा टेम्पर भी होती है इसे हम जो लगाएंगे बड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है हमें ज़्यादा अगर इसे खींचेंगे तो ये टूट भी जाती है तो आपको इतना खींचना है कि इस पिस्टन से ज़्यादा ना हो तो ये टॉप टू वाला रिंग है तो टॉप टू वाला जो रिंग गैपिंग होता है वो हम नीचे की ओर रखेंगे और दोस्तों ये वीडियो बनाने से हमें कम से कम आ, आ, तीन महीने हो चुके हैं और मुझे याद नहीं था अपलोड करने का तो आज मैं इसे एडिटिंग करके फिर से डाल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा आगे और भी इस बाइक के बारे में इसका रिजल्ट कैसा निकला ये मैं बाद में बना रहा हूँ इसीलिए मैं बाद में अपलोड कर रहा हूँ कि हमें देखना था कि इसका रिजल्ट कैसा है तो टॉप टू वाले को मैंने नीचे दे दिया और टॉप वन को हम ऊपर देंगे अब और ऊपर की ओर हम इसका गैपिंग रखेंगे तो देखिए ये है कैटी ई जो लिखा हुआ आता है वो नीचे की ओर देना है टॉप टू को और इन जो लिखा हुआ होता है वो ऊपर की ओर देना है टॉप वन को जो स्टील टाइप का दिखाई देता है पतले वाले रिंग का गैपिंग यहाँ पे है और एक इधर है एक ऊपर के साइड में और एक नीचे के साइड में और टॉप टू वाला ये नीचे हुआ और टॉप वन का गैपिंग ऊपर हुआ और हमें पिस्टन इसी तरीके से लगाना है पिस्टन में जो इन लिखा हुआ है ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी बाइक में यह इन लिखा हुआ हो या फिर तीन का तीर का निशान है तो वो नीचे देना है इन लिखा हुआ है तो ऊपर देना है और अगर इन नहीं लिखा हुआ है सिर्फ कटा हुआ है तो कटे हुए को आप ये आपको ये देखना है कि बड़ा वाला कट जो गड्ढा है वो ऊपर रखना है और छोटे वाले गड्ढे को नीचे रखना है चाहे किसी भी मोटरसाइकिल का हो पिस्टन इतना कुछ करने के बाद हमें एक नया ऑयल लेना है नया ऑयल ही हमें देना है यहाँ पे रिंग में और अच्छे तरीके से ऑयल को हमें रिंग में डाल देना है कहीं सूखा ना रहे अगर इसमें सूखा रहता है और जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि स्टार्ट करते ही फट देसी यहाँ पे पिस्टन में ऑयल आ जाती है रिंग में तो इसमें क्या है कि हमें सही तरीके से ऑयल डालना है तभी यह फ्री चल पाएगी ठीक है ना तभी यह पिस्टन सिलेंडर से फ्री चलेगी और अगर सूखा लगा देते हैं तो इसमें सिलेंडर ब्लॉक में स्क्रैच आ जाएगा रिंग भी ख़राब हो जाएगी इसीलिए हमें हर जगह ऑयल डाल देना है क्योंकि जल्दीबाजी में इतना जल्दी भी ऑयल यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो पिन में भी मैंने ऑयल डाल दिया कि बाद में कहीं दिक्कत ना हो इस तरीके से हर जगह ऑयल डाल देना है और अब हम इस पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक में लगाएंगे। हो सके तो अच्छा रहता है पहले ही पिस्टन को अगर हम सिलेंडर ब्लॉक में फिटिंग कर दें तो अच्छा रहता है बाद में आ, उसमें आ, करेंक में लगाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम करती है इसीलिए हमें इसी तरीके से लगा लेना चाहिए नाखून से हमें थोड़ा थोड़ा दबा कर रिंग को हम अंदर की ओर डाल देंगे किसी पैचकस या ज़्यादा हमें चाड़ना नहीं है अगर पैचकस भी लगाते हैं तो पतला पैचकस लगाना है और धीरे धीरे हमें चाड़ना है अगर ज़्यादा ज़ोर करेंगे तो रिंग टूट भी जाती है या फिर उसमें थोड़ा बहुत स्क्रेच आ जा 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 जाता है बाबरी ओबरी बन जाती है तो ये मैंने रिंग लगा दिया पिस्टन भी लगा दिया और इस तरीके से आपको चेक भी कर लेना है ऊपर नीचे करके चेक कर लेना है कि कितना टाइट है रिंग लगाने के बाद तो ऑटोमेटिक टाइट हो ही जाती हैं रिंग फिटिंग करने में या फिर किसी भी तरह की समस्या अगर आती है तो वो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा जल्दी ही धुआं मार देगी गाड़ी पर तीन महीने के बाद भी यानी कि ज़्यादा ही हो गया होगा मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि तीन महीना मेरे ख्याल से छः महीना हो चुका होगा मुझे याद नहीं है लेकिन वो अगर कुछ भी समस्या होगी तो वो जल्दी ही धुआँ मार देगी लेकिन अब तक ये धुआँ नहीं मार रही है तो इसका मतलब वो गाड़ी सही है सक्सेस है सही चल रही है